वैश्विक स्तर पर हिंदू संगठन होने हेतु हिंदू जनजागृति समिति के प्रयास। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की प्रेरणा से वर्ष 2002 में हिंदू जनजागृति समिति स्थापित हुई। समिति धर्म शिक्षा, धर्म रक्षा, हिंदू संगठन एवं राष्ट्र रक्षा इस उद्देश्य से विविध उपक्रम आयोजित कर पूरे भारत के हिंदुओं में जागृति करती है। परिणाम स्वरूप आज सहस्रों हिंदू जागृत होकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु अग्रसर हो रहे हैं। केवल भारत में ही नहीं, विदेश में कार्य करने वाले हिंदू संगठनों में भी समिति के प्रति आत्मीयता है। आइए देखते हैं इसे प्रमाणित करने वाले कुछ विशेष उदाहरण। हिंदुत्व का कार्य विदेश में भी हो, इस हेतु हिंदू जनजागृति समिति के प्रयास। आज तक नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड आदि अनेक देशों के हिंदुत्व निष्ठों ने हिंदू जनजागृति समिति के पदाधिकारियों से मिलकर धर्म, अध्यात्म, हिंदुत्व आदि विषयों में कार्य करने के संबंध में चर्चा की। विशेषकर नेपाल के हिंदुत्व निष्ठों को समिति एवं समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी का आधार लगने लगा है। विदेश में कार्य करने वाले कुछ हिंदुत्वनिष्ठ भारत में हुए समिति के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन उपस्थित रहे तथा उन्होंने राष्ट्र एवं धर्म संबंधी कार्य करते समय हुए अनुभव बांटे। संस्कृति संस्कार इस ऑनलाइन कार्यक्रम में श्री दयाल हरजानी जी ने हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, हिंदू धर्म इस विषय पर शंका समाधान करने हेतु सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी को आमंत्रित किया। बोगोर इंडोनेशिया के स्वामी आनंद कृष्णा जी ने साधना, अध्यात्म इस विषय पर समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की। हिंदुत्व निष्ठों ने विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए समिति के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन आयोजित करना, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी से भेंट की। राष्ट्र एवं धर्म प्रेम के संस्कारों से प्रेरित विद्यार्थी ही राष्ट्र के हित का विचार कर सकता है। युवा पीढ़ी की रचना में अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, यह विचार उन्होंने रखा। बोगोर इंडोनेशिया के योगा मेडिटेशन सेंटर में समिति के धर्म प्रचारक सदगुरु नीलेश सिंहबाल जी ने मार्गदर्शन किया। हिंदुत्व निष्ठों द्वारा मीडिया के माध्यम से धर्म, अध्यात्म एवं हिंदुत्व की विचारधारा प्रसारित करना, विदेश में कार्य करने वाले मीडिया क्षेत्र के अनेक व्यक्तियों ने समिति के पदाधिकारियों से भेंट की। नेपाल के अनेक टीवी चैनल्स ने सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी से हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, अध्यात्म, नाम साधना, श्राद्ध जैसे अनेक विषयों पर वार्तालाप कर उन्हें प्रसारित किया। हमरा कुरा इस नेपाली भाषा के ऑनलाइन पोर्टल पर हिंदू जनजागृति समिति के धर्म एवं अध्यात्म संबंधी लेख रखे गए। नेपाल भूकंप के समय की गई आपातकालीन सहायता में समिति की भूमिका। वर्ष 2015 में आए भूकंप में
नेपाल के अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों की सहायता से समिति ने देवभूमि नेपाल सहायता अभियान चलाया। समाज से अर्पण के रूप में मिली सामग्री भूकंपग्रस्तों तक पहुंचाने की सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने की। समिति अपने सामाजिक दायित्व के प्रति भी सजग है। आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा समिति के कार्य को प्राप्त आशीर्वाद। विविध हिंदुत्व निष्ठों ने आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी व्यक्तियों से समिति के कार्यकर्ताओं की भेंट करा दी। उन अधिकारियों ने समिति के कार्य की सराहना की। और उनको आशीर्वाद दिए। इस आशीर्वाद के बल पर समिति का कार्य पूरे विश्व में फैल रहा है। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी ने बौद्ध गुरु लामा ध्याचो रिंपोचे एवं किरात समाज के प्रमुख मुंदुमविद ज्योतिर्विद डॉक्टर चंद्रकुमार शेरमा से भेंट की। अंतरराष्ट्रीय परिषदों में समिति का सहभाग। वर्ष 2013 में बाली इंडोनेशिया में दूसरी वर्ल्ड हिंदू समिट संपन्न हुई। उसमें सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी सहभागी हुए थे। समिट में उन्होंने मार्गदर्शन भी किया। वर्ष 2023 में दिल्ली में हुई वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी ने मार्गदर्शन किया। अनेक देशों से आए प्रतिनिधियों से हिंदुत्व धर्म आदि विषयों पर समिति के पदाधिकारियों ने चर्चा की। नवंबर 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में हुई वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में समिति के पदाधिकारी सहभागी हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में अन्य देशों से आए हिंदुत्व निष्ठों से हिंदुओं के कल्याण के बारे में बात हुई। मार्च 2024 में भाग्यनगर में हुए हार्टफुलनेस एवं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव में सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी ने उपस्थित हिंदुत्व निष्ठों का मार्गदर्शन किया। हिंदुत्व के विषय में प्रत्यक्ष कार्य करने वाले देश विदेश के प्रतिनिधियों से समिति के पदाधिकारियों ने अनुभव बांटे। हिंदू जनजागृति समिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिले विविध पुरस्कार। समिति के कार्य की व्यापकता देखकर समिति के प्रतिनिधि के रूप में सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी को विविध पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज द्वारा सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में नेपाल ज्योतिष परिषद की ओर से सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी को मानद सलाहकार घोषित किया गया। वर्ष 2019 में विश्व ज्योतिष महासंघ द्वारा उन्हें धर्मालंकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फलश्रुति। विश्व भर के हिंदुत्व निष्ठों से होने वाले संपर्कों के कारण अनेक हिंदुत्व निष्ठ प्रतिवर्ष गोवा में हो रहे वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में सहभागी हो रहे हैं। हिंदुत्व निष्ठों के इन संपर्कों के कारण हिंदुओं पर हो रहे आघातों, हिंदुओं की समस्याओं के विषय में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। भारत की, हिंदू राष्ट्र की, अर्थात हम सभी के मन में है वो राम राज्य की जो संकल्पना है वह वैश्विक स्तर पर ले जाना अत्यंत आवश्यक है, तथा इस हेतु चाहे हिंदुत्वनिष्ठ संगठन हो या विचारक हो, उनकी आपस में भेंट हो, चर्चा हो, यह भी आवश्यक है।
समिति यह कार्य वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रयत्नरत है। विश्व के किसी भी कोने में आपके संपर्क में कोई हिंदुत्वनिष्ठ संगठन हो, उनके पदाधिकारी हो या कोई विचारक हो, उनकी जानकारी अवश्य हमें दें। आपका यह योगदान इस कार्य हेतु अत्यंत उपयुक्त होगा। नमस्कार। अधिक जानकारी हेतु संपर्क